दोस्तों इस फोन का सिर्फ मेन कैमरे काम क्या है, बाकी के जो दिख रहे हैं ना भाई, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Infinix Zero 30 स्मार्टफोन को Infinix GT 10 Pro स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Infinix Zero 30 के अंदर हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ Infinix GT 10 Pro के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस LTPS AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा है, भी अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है ना भाई, कि देखने में लगे हां यार कोई प्रीमियम फोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब आप यहां पर डेफिनेटली Infinix Zero 30 की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि ये फोन हमें कर्व डिस्प्ले के साथ में मिल रहा है, भी अच्छी बात है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी चाहिए ना भाई, तब भी आप यहां पर Infinix Zero 30 की तरफ ही जरूर से जाइए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ में आते हैं, जो कि XOS 13.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, क्योंकि दोनों फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ में मिल रहे हैं, भी अच्छी बात है। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो Infinix Zero 30 के अंदर हमें Dimensity 80205G 5G सेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Infinix GT 10 Pro के अंदर हमें Dimensity 80505G 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और शानदार गेमिंग के हिसाब से काफी ज्यादा जबरदस्त है भाई, काफी बढ़िया वाली गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, क्योंकि ये जो चिपसेट है ना भाई एकदम मक्खन वाली गेमिंग आपको करवा देंगे। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Infinix Zero 30 की, तो इस फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, और जो पोर्ट्रेट कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Infinix GT 10 Pro का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दो दोस्तों दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा ना 108 मेगापिक्सल का, भाई काफी बढ़िया वाली फोटो आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार जरा GT 10 Pro को देखना भाई, 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ कैमरा दिया, जो कि यूजलेस कैमरा है भाई। ये भी अल्ट्रा वाइड कैमरा दे सकते थे, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने नहीं दिया। इसलिए दोस्तों अगर आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी चाहिए ना भाई, डेफिनेटली Infinix Zero 30 की तरफ ही जरूर से जाइए। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप Infinix Zero 30 के बैक कैमरा से 4K एट 60 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Infinix GT 10 Pro स्मार्टफोन के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग एट 30 FPS पर कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपको ज्यादा FPS का सपोर्ट चाहिए ना भाई, डेफिनेटली Infinix Zero 30 की तरफ ही जरूर से जाइए। और यहां पर तो यार वीडियो स्टेबलाइजेशन में भी फर्क है, क्योंकि Infinix Zero 30 यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Infinix GT 10 Pro सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। यार अगर आपको बढ़िया स्टेबल वीडियो बनानी है ना भाई, तो नो डाउट यार Infinix Zero 30 की तरफ ही जरूर से जाइए। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो Infinix Zero 30 के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग एट 60 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Infinix GT 10 Pro के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग एट 30 FPS पर कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सेल्फी फोटोज के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको एकदम बढ़िया वाली फोटोज क्लिक करनी है और मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग शूट भी करनी है, तब आप यहां पर डेफिनेटली Infinix Zero 30 की तरफ ही जरूर से जाइए। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं, लेकिन फास्ट चार्जिंग में यहां पर भाई फर्क है, क्योंकि Infinix Zero 30 यहां पर 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Infinix GT 10 Pro यहां पर 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट ज्यादा चाहिए ना भाई, तो Infinix Zero 30 की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन
यहाँ पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं और 3.5mm जैक हमें इन्फिनिक्स 030 के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन यार इन्फिनिक्स GT10 Pro के अंदर हमें दिया गया है। और अगर हम बात करें स्पीकर्स की तो दोनों फोन यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दो कि इन्फिनिक्स 030 स्मार्टफोन के 12+256GB वेरियंट की अप्रोक्स प्राइसिंग है 35,000 पे, वहीं दूसरी तरफ इन्फिनिक्स GT10 Pro स्मार्टफोन के 8+256GB वेरियंट की प्राइसिंग है 20,000 पे। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई वो ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए यार अगर आपका बजट है भाई 20,000 पे तक का, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली इन्फिनिक्स GT10 Pro की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि सच में यार ये वाला स्मार्टफोन भाई काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है जहां पर आपको कैमरा सेटअप भी भाई बढ़िया वाला मिल रहा हो, तब आप यहां पर डेफिनेटली इन्फिनिक्स 030 की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।